कैसे हैं आप लोग? सो आई नो ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है 7 और 8 का एनालिसिस, क्योंकि ड्यू टू दैट कन्फ्यूजन विच आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो. तो आज मैं कंफर्टेबली 9th का अपलोड कर सकूं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्लब कर दूं 7th और 8th का एनालिसिस. तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है, ब्रीच ऑफ लेजिस्लेटर प्रिविलेज. तो ये आर्टिकल हम बहुत बार कवर कर चुके हैं. क्या होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस? क्या होता है कि भाई जो MLAs और MPs हैं, ठीक है, उनको ड्यू टू देयर पोजिशन उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है, और उनके ब्रीच को ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस बोल देंगे, ठीक है. तो अभी क्या बात हुई है, पहले हम ये देख लेते हैं कंटेक्स्ट, बाद में देखते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो प्रिविलेजेस से रिलेटेड हैं. तो पहली बात तो ये भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है. तो आर्टिकल 105 में इंक्लूडेड है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 194 में जो स्टेट वाले हैं लेजिस्लेचर्स उनसे रिलेटेड है, मेंबर्स हो गए, कमिटीज के मेंबर्स हो गए, तो उन सबको दी जाती है पावर्स एंड प्रिविलेजेस. तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस क्या होता है, ये आर्टिकल में तो लिख दिया, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि क्या क्या कंडीशन से आपको ब्रीच होंगी जिनसे आपको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहलाएगा. जनरली कोई भी एक्ट जो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या फिर रोकेगा इधर द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन परफॉर्मिंग जो वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं या बिजनेस ऑफ द हाउस कंडक्ट कर रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है एनी मेंबर ऑफ और ऑफिसर्स को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है, सच रिजल्ट्स इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है. तो वही बात है कि अभी आई थिंक हमने कुछ दिन पहले आर्टिकल कवर किया था कि कंगना रनाउत पे या फिर रिपब्लिक टीवी पे ऐसा कुछ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का गया था, क्योंकि वो जो उन्होंने नास्टी कमेंट कर दिया था ऑन द सम एमपी, सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का उन पे चला गया था नोटिस, ठीक है. इट इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू मेक स्पीचेस और टू प्रिंट पब्लिश लिबरल रिफ्लेक्टिंग ऑन द कैरेक्टर एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ठीक है. तो ये भी ब्रीच होगा अगर आप उस पर प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस पे कुछ पब्लिश कर रहे हो और ऑन एनी मेंबर और फॉर रिलेटिंग टू हिज कैरेक्टर और कॉन्डक्ट एज लेजिस्लेचर. सो दिस वॉज द थिंग जिसपे ये कंगना रनौत वाला या रिपब्लिक टीवी वाला केस हुआ था. सो वट इज प्रोसीजर? तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक प्रिविलेज कमेटी का गठन करेंगे. सो मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर नॉमिनेटेड, ठीक है, पहली बार नॉमिनेटेड होंगी बेस्ड ऑन द पार्टी स्ट्रेंथ, कितनी कितनी मेंबर्स हैं, कितनी कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है उस हिसाब से तो नॉमिनेट होंगे, इलेक्टेड नहीं होंगे. स्पीकर और द चेयरमैन फर्स्ट डिसाइड्स ऑन द मोशन, तो स्पीकर और द चेयरमैन मोशन स्टार्ट करेंगे. इफ प्रिविलेजेस आर कंटेम्प्ट फाउंड प्रीमी फिशी देन द स्पीकर और चेयरमैन फॉरवर्ड कर देंगे. स्पीकर अगर सेटिस्फाइड है तो उसे लगेगा तो वो प्रिविलेजेस कमेटी को देंगे. सो दिस can be the one of the power of the speaker. कमेटी विल एग्जामिन की भाई स्टेटमेंट बोली गई है या फिर जो इंसल्ट वगैरह हुई है वो वेदर द इमेज वॉज मैलिंग बिफोर द पब्लिक या फिर एग्जैक्टली ऐसी कुछ चीज़ें हुई या नहीं हुई. सो कमेटी इस हिसाब में क्वासी जुडिशियल पावर का काम कर रही है, ठीक है. तो अपना वो जजमेंट भी पास करेगी एंड विल सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंसर्न, माने कि रिपब्लिक टीवी वालों को समन करेगी, बुलाएगी, इंक्वायरी बिठाएगी एंड रिकमेंडेशन बोलेगी एंड फिर वो सॉरी वॉरी मांगेंगे. सो दिस इज द थिंग विच इज नीड्स जो होएगी, ठीक है. एफिडेविट है भाई प्ली बाय द फेसबुक इंडिया VP एंड MD अजीत मोहन एंड फेसबुक इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट समन्स, ठीक है. सो सेड दैट मोहन हैज नॉट बीन इशूड एनी समन फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है. तो जो अजीत मोहन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का समन नहीं मिला, ठीक है. सो दिल्ली असेंबली सेड ही वॉज ओनली समन्ड बाई इट्स पीस एंड हार्मनी कमेटी टू अपियर एज विटनेस इन कनेक्शन विद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट्स, ठीक है. सो कोर्ट क्या, कोर्ट इंटरवीन कर सकता है इस चीज़ों में प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि प्रोसीडिंग ऑफ द फैमिली जो भी पार्लियामेंट या असेंबली में हो रहा है वो आप कोर्ट तक नहीं लेके जा सकते उनकी बातों को, ठीक है. सो एंड मेंबर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन हुम पावर्स आर वेस्टेड फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर, ठीक है. तो जो कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन एंड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर और द चेयरमैन उसके अंदर पावर वेस्टेड होती है और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज नॉट सब्जेक्टेड टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स. तो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन के लिए वो जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है वो सब्जेक्ट नहीं होता. आप ये जो बिजनेस वाली चीजें हैं पार्लियामेंट या असेंबली की वहां पे आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. सो कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इन दीज मैटर्स, ठीक है. सो व्हाट आर एडिशनल टायर वन बोर्ड्स, ठीक है. तो क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होता है, CAR होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है. तो ये फॉर्मूला है. तो भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये बासेल 3 नॉर्म से आया है, ठीक है. जैसे कि जब यहाँ ग्लोबल फाइनेंशियल डिप्रेशन हुआ था, ठीक है, तो 2008 में, ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस भी जिसे बोलते हैं, तब आए थे ये बासिल नॉर्म्स, क्योंकि जब सारे फाइनेंशियल बैंक्स एक साथ ही डूब गए थे, ठीक है. तो तब आए थे ये, उस टाइम पे क्या बोला गया था कि भाई इस तरीके के हम नॉर्म्स लेके आएंगे कि बैंक को एक एडिक्वेट कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का ही ये मतलब है, एडिक्वेट कैपिटल जो बैंक्स ने मेंटेन करके रखे ताकि वो जो एज अ बफर रहे, ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम जैसे CRR रखते हैं हम, SLR रखते हैं, तो एक CAR भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें कुछ जो सिक्योरिटीज वगैरह इस तरीके की होगी जो आप रखोगे एंड जो थोड़ी प्रॉफिट यील्डिंग होगी एंड थोड़ी कम डिफॉल्ट लायबल होगी, ठीक है। सो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला होता है। एंड और तो क्या बताऊँ, हाँ ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना बोला है, 8% रखने को बोला हुआ है, ठीक है। तो 8% रखने को बोला, पर हम यहाँ पे अपने 12% रखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली RBI को हमारे बैंक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आई एम बीइंग सार्कास्टिक, क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्वियसली डिफॉल्ट करने की ज़्यादा है टेंडेंसी टू डिफॉल्ट इन द बैंक्स। सो सेबी ने टाइटन कर दिए हैं रेगुलेशंस ऑफ द टायर वन बॉन्ड और द AT1 बॉन्ड्स, ताकि जो लेस एक्सेसिबल हो टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया टायर वन कैपिटल होती है प्लस टीयर टू कैपिटल होती है, जिसमें से टीयर वन एंड टीयर टू कैपिटल में से डिवाइडेड होते हैं ये एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स, ये टीयर वन का टाइप है, ठीक है। सो चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए हैं, बैंक कैन दीज ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो क्यों इन पे रेगुलेशन टाइटन किया और क्यों नहीं चाहते कि रिटेल वालों के पास जाए, इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की बॉन्ड्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट, मतलब क्योंकि उन पर हाई इंटरेस्ट होता है, ठीक है, हाई रिटर्न होता है। जंक बॉन्ड्स जिन्हें कहते हैं, जंक बॉन्ड्स ही कैटेगरी में क्योंकि चले जाते हैं, तो इसीलिए इन पर मुनाफा तो बहुत दिखता है, हाँ 10 दिन में मैं आपके 100 के 1000 कर दूंगा, पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है। मिनिमम अलॉटमेंट साइड एंड ट्रेडिंग अलॉट साइज ऑफ 1 करोड़ होना चाहिए। सो बेसिक्स क्या है एडिशनल टीयर वन कैपिटल का, अंडर बासेल 3 फ्रेमवर्क बैंक्स रेगुलेटरी कैपिटल डिवाइड होती है टीयर वन एंड टीयर टू कैपिटल में। टीयर वन सब डिवाइडेड है, मैंने जैसे आपको बताया AT1 में एडिशनल कैपिटल एंड कॉमन इक्विटी, ठीक है। सो AT1 बॉन्ड्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो शोर अप देयर कोर बेस टू मीट बासेल 3 नॉर्म्स, ताकि वो बासेल 3 नॉर्म्स मतलब इस तरीके के थोड़े हाई, मतलब कहीं किसी से ज़्यादा पैसे ले ले, ठीक है, मान लो किसी से 1000 रुपये ले लिए ताकि उसका वो डबल बबल कर देंगे, तो फिर क्या होता है, तो एडिशनल पैसा हो जाता है बैंक्स के पास भी, ताकि वो अपने नॉर्म्स को नॉर्म्स के साथ अधेयर कर सके, ठीक है, एंड लोगों को तो रिटर्न मिल ही जाएगा उस चीज़ का। की फीचर्स क्या है, इनका हाई रेट होता है देन टीयर टू बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया टीयर वन प्लस टीयर टू, तो टीयर टू से ज़्यादा इनका रेट होता है, ठीक है। उनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, इशूइंग बैंक हैज़ ऑप्शन टू कॉल बैक द बॉन्ड्स और रीपे द प्रिंसिपल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे बैंक को ठीक लगे वो प्रीपे कर सकता है। अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टर्स इज हाई यील्ड देन सिक्योर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय सेम एंटिटी, ठीक है। हाई यील्ड होता है इसीलिए क्योंकि अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए लोग ज़्यादा आते हैं इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू कैन होल्ड दीज बॉन्ड्स, ठीक है। गिवन द हाई रिस्क द रेटिंग फॉर दीज बॉन्ड्स इज 1 to 4 नॉच लोअर देन सिक्योर बॉन्ड, ऑब्वियसली रेटिंग्स इनकी कम ही होंगी। However, इसकी क्या रिस्क है, इशूइंग बैंक हैज डिस्क्रिशन टू स्किप कूपन पेमेंट, ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज इट कैन पे फ्रॉम प्रॉफिट्स, ठीक है, पर अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आती, बैंक डिफॉल्ट करता है, तो बैंक आर नॉट लायबल कि वो इनकी पेमेंट करेंगे। एंड दूसरा, वो कभी भी इनको कॉल बैक कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, कॉल बैक कर सकते हैं और आपको उतना पे प्रिंसिपल पे कर सकते हैं। सेकेंड, द बैंक हैज़ टू मेंटेन अ कॉमन इक्विटी टायर वन रेशो ऑफ 5.5%, जो मैंने आपको बताया था AT1 प्लस CET। तो कैपिटल कॉमन इक्विटी, उनको कॉमन इक्विटी टायर मेंटेन करना होता है, फॉलोइंग विच बॉन्ड कैन गेट रिटर्न डाउन, ठीक है। तो इन सब केसेस देयर कुड बी अ क्लॉज टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी एज वेल, कईयों में होता है कि भाई आप उनको शेयर्स में कन्वर्ट करा लो, बट कईयों में ऐसा ऑप्शंस नहीं होता, तो इसीलिए इनको दे आर ऑल्सो रेफर टू एज क्वासी इक्विटी, कि कभी आप इनको करवा सकते हो इक्विटी में कन्वर्ट, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। सो इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल इज क्लासिफाइड एज CET और परपेचुअल बॉन्ड एज क्लासिफाइड एज आर क्लासिफाइड एज AT1, ठीक है। इक्विटी और जो प्रेफरेंस कैपिटल है जो हमने ऊपर पढ़ा, बाय नेचर CET इज द इक्विटी कैपिटल ऑफ द बैंक विच वेयर रिटर्न्स आर लिंक्ड टू द बैंक परफॉर्मेंस। किस तरीके से, अगर देखो वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो देखो वो उनको पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि रिटर्न डाउन हो सकते हैं। हाउएवर AT1 बॉन्ड्स आर इन द नेचर ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच कैरी फिक्स्ड कूपन पेएबल एनुअली फ्रॉम पास्ट और प्रेजेंट प्रॉफिट्स ऑफ द बैंक। सो दिस इज द थिंग, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टीयर वन टीयर टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, जितने कम, अब हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखा, ठीक है, टीयर वन प्लस टीयर टू देखा अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, तो आपको समझ में आ गया कि रिस्क वेटेड एसेट कम होंगे जितना उतना ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ेगा, और हमें इसको बड़ा हुआ ही चाहिए, हम इसको कम तो वो कर नहीं सकते। सो रिस्क वेटेड एसेट का क्या मतलब होता है, ऐसे एसेट्स, ऐसी कैपिटल, ऐसी आपके पास जो पैसा है जो आपको लगता है कि डिफॉल्ट हो जाएगा, तो वो आपके पास कम से कम होना चाहिए आपके बैंक्स में। सो दिस इज द थिंग, पाकिस्तान टू चैलेंज इंडियाज एप्लीकेशन फॉर एक्सक्लूसिव GI टैग फॉर बासमती राइस इन EU यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। तो इंडिया ने बोला है कि भाई हम बासमती का हमने GI टैग ले लिया,
तो अभी तो कॉटन का भी हमारे यहाँ पे वो मिल गया, हमें लोगो मिल गया, तो वो भी आप थोड़ा अगर आपको पता है उसके बारे में सो डू कॉमेंट डाउन. आंसर नहीं मांग रही, आई एम जस्ट आस्किंग. सो वाई पाकिस्तान इज अप्रोचिंग EU, पाकिस्तान इनेक्टेड द GI एक्ट, ठीक है, इन द मार्च दिस ईयर विच गिव इट राइट टू अपोज इंडियन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बासमती राइस, ठीक है. तो जो EU का ऑफिशियल जनरल है, एनी कंट्री कैन अपोज टू द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेम, ठीक है, ऑफ द यूरोपियन, मतलब ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड ऑफ द काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड फूड स्टफ्स विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है. तो 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको कर सकते हो, मतलब किसी कंट्री ने GI के लिए करा एंड आप उसको कंटेस्ट कर सकते हो, वरना उसको वो चला जाएगा, ठीक है. So in India, while India has said that it is Indian origin product in its application, ठीक है, 11 सितंबर को ये फाइल हुआ, तो अभी 3 महीने नहीं हुए हैं. क्लेम्स क्या बोल रहा है पाकिस्तान साइड की, हम मेजर ग्रोवर है भाई बासमती राइस के, ऐसे कैसे इंडिया वाले ले जाएंगे. बैकग्राउंड में क्या है, इन मई 2010 GI स्टेटस वॉज गिवन टू बासमती राइस जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी और कश्मीर के पार्ट्स में उगाई जाती है, ठीक है. तो उसके बेसिस पे है, बेसिक्स देख लेते हैं. GI टैग क्या होता है, इज प्राइमरीली इन एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, या फिर जैसे कि कोई हैंडीक्राफ्ट हो गया, किसी ने कोई टॉयज बना ले, कलमकारी साड़ी हो गई, है ना. सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, किसी एक टेरिटरी की वो फेमस जगह है, ठीक है. टिपिकली अ नेम कन्वेज एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस की भाई ये क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं हम आपको, चीट नहीं कर रहे इसमें. तो GI मिल जाता है तो बाहर की मार्केट्स वगैरह में फॉरनर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. बेनिफिट्स क्या है, GI प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड, नो अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इसको मिसयूज नहीं कर सकता, एंड इसकी ऑथेंटिसिटी का आपको एक होता है कि भाई ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है. हु इज रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्रोड्यूसर्स या ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी जो एस्टैब्लिश बाय लॉ है कैन बी रजिस्टर्स, वो इसको रजिस्टर करा सकती है. देयर नेम शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाइड फॉर. तो उनको प्रॉपर्टी मतलब उसका होल्डर बनना पड़ेगा उस चीज़ का कि भाई ये चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं और ये इसको GI टैग दे दो और फिर उसका रजिस्टर में उस बंदे का नाम लिखा जाएगा. हाउ लॉन्ग द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड, इट इज़ वैलिड फॉर 10 years एंड इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 year ईच, मतलब 10-10 के मतलब उसमें बढ़ेगी. हु अकॉर्ड्स एंड रेगुलेट्स GI इंडिकेशन एट इंटरनेशनल लेवल, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर कॉम्पोनेंट ऑफ IPR, ऑब्वियसली कि भाई एक जगह की फेमस है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर सेव्ड है अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. तो पेरिस कन्वेंशन आ जाए तो ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से भी लिंक्ड है इंटेलेक्चुअल से. GI इज ऑल्सो गवर्न बाय WTO एग्रीमेंट्स फॉर ट्रिप्स, ट्रिप्स वाले से भी रिलेटेड है. इन इंडिया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन कौन एडमिनिस्टर करता है, GI ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 जो 2003 में फोर्स में आया था एंड सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को इसने GI टैग दिया था. तो याद रखना इंटरनेशनल जगह पे दो चीज़ें, पेरिस कन्वेंशन एंड WTO और इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट से इसको प्रोटेक्शन मिलती है. देन 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला गया है, रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेस, ठीक है. तो ब्लैक होल समझने के लिए, ठीक है, जो अब तक हमने ब्लैक होल वाली चीजें पढ़ते थे, ठीक है, वो सब इनकी बदौलत है. ठीक है, क्या होता है, देखो भाई एक बहुत बड़ा स्टार था, बूढ़ा हो गया, वो कोलैप्स कर गया. जब एक स्टार कोलैप्स करता है, इतना ज़्यादा इनडेफिनेट मास होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो अंदर एक बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल मास हो जाता है, जिसमें क्या होता है, लाइट अगर इसके पास जाएगी ना, लाइट सीधे पाथ में इसके पास जा ही नहीं पाएगी, वो बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है, लाइट कहीं तो इसके अंदर ही चली जाएंगी, जिससे वो एक रेडिएशन डिस्क बन जाएगा, पर लाइट यहाँ पे आसपास लाइट एस्केप नहीं कर सकती और वो बेंड हो जाती है. एंड एस्केप वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रैवल टू ओवरराइड अ प्लैनेट. तो ये एस्केप वेलोसिटी होती है कि भाई एक प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स को, आप मान लो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक रॉकेट को कितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए कि वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को निकल के और बाहर निकल सकता है. सो दैट इज एस्केप वेलोसिटी. फीचर्स क्या है ब्लैक होल्स के, कि भाई लाइट यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, ब्लैक होल्स आर इनविजिबल, बट ये इन्होंने क्या है कि रेडियो टेलीस्कोप से इसकी फाइंडिंग करी है, ठीक है, क्योंकि अंदर ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए लॉट्स ऑफ मैटर होता है, इसीलिए लाइट नहीं एस्केप कर सकती, और एक स्मॉल स्पेस में बहुत सारा मैटर होता है. मान लो इतनी सी जगह में मैं 100 किलो का मास डाल दूं, तो दिस इज केस विद द ब्लैक होल. सो व्हाई डू अवार्ड विनर्स वर्क टेल अबाउट ब्लैक होल्स, ठीक है,
तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बताया पहली बात इन्होंने, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे प्रूव किया इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। तो जो सेजिटेरियस ए था, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक सेजिटेरियस ए करके एक स्टार है, ठीक है, वो स्टार जब डीके हो गया तो वो ब्लैक होल बन गया, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। सो जिसका मास सन से भी 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है एंड ये हमारी गैलेक्सी के बीच में पड़ता है। सेजिटेरियस ए इज़ वन ऑफ द 2 ब्लैक होल्स जो फोटोग्राफ हुए हैं अब तक, किसके द्वारा, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ठीक है। तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप आप बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है आई गेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करके बताएंगे। ब्लैक होल्स डू नॉट एमिट और रेडिएट एनीथिंग, ठीक है, ना एमिट करता ना रेडिएट करता, लाइट को भी नहीं एमिट करता क्योंकि लाइट तो ये अपने अंदर ले लेता है। सो देर इज नो वे कि भाई इमेज कैप्चर हो सके, काली काली जगह में क्या करोगे, ठीक है। पर जो एरिया जस्ट आउटसाइड बाउंड्री था तो वो इवेंट होराइजन ने कैप्चर किया था क्योंकि वहाँ पे गैस क्लाउड्स एंड प्लाज्मा स्वर्लिंग वॉयलेंटली, प्लाज्मा क्या होती है, गैसेस एक बहुत ज़्यादा तगड़े उसमें रोटेट करे और वो हमें दिख रही है। आपको कभी गैसेस दिखी है क्या? पहली बात तो हमें गैसेज दिखती नहीं, गैसेज अगर आपको दिख रही है ना और वो भी बहुत तेज स्पीड में, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इमेंस प्रेशर के अंदर है, ठीक है, इमेंस प्रेशर एंड इमेंस हीट के अंदर है, इसलिए वो आपको दिख रही है चलते हुए, ठीक है। इवन इन द डजेंट एमिट्स ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन इवन विजिबल लाइट, तो हमें ये रेडियो लाइट में दिखा है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज देता है, वन ऑफ द 5 नोबेल प्राइजेज एस्टैब्लिश बाय विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरी बात इनको प्राइज देते रहना। 1901 से हम अवार्ड करने लगे। फर्स्ट नोबेल प्राइजेस किस फिजिसिस्ट को, विल्हेम रॉन्टजेन, ठीक है, ताकि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज लेकर आए थे, ये मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हो, बाकी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रे बायो डिकम्पोजर्स इन द फील्ड टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग, वही जो पूसा डिकम्पोजर्स है, ठीक है, ICAR ने बनाया है उसके बारे में ही है ये। तो उन्होंने बोला जो ये बायो डिकम्पोजर्स है ना, हम अपने यहाँ पे अक्टूबर 11 से स्प्रे करवाएंगे, जो पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। एंड पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने कैप्सूल बनाया है, मैंने आपको बताया था एक कैप्सूल है फंगस की स्ट्रेन से बना, मिक्स ऑफ 7 फंगस, जिससे क्या होता है, फंगस वो सेलुलोज लिग्निन एंड जो पेक्टिन होता है पैडी की स्ट्रॉ में, राइस की जो स्ट्रॉ में ये सेल, क्योंकि प्लांट की वो सेल वॉल तो सेलुलोज से ही होती है, आपके प्रीलिम्स में भी आया था है ना, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कैप्सूल्स क्या है, 1-2 कैप्सूल्स को आप पानी में मिक्स करो, फिर फील्ड उसमें क्या है कि गुड़ वगैरह जागरी वगैरह मिलाओ एंड फिर फील्ड्स पे स्प्रे कर दो, ठीक है, इससे क्या है फर्टिलिटी बढ़ेगी लैंड की एंड फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी, ठीक है। फंगी कितने डिग्री सेल्सियस पे, 30-32 डिग्री सेल्सियस पे थ्राइव करेगा एंड व्हेन हार्वेस्टेड द वीट इज सोन, ठीक है, तब जब ये सारा निकल जाएगा फंगी, क्योंकि इस टाइम पे 30-32 डिग्री सेल्सियस तो है ही, तो ये ग्रो करेगा। एंड ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बोला है कि इस टेक्नोलॉजी को आप कॉमर्शलाइज कर लो एंड लाइसेंस दे दिया 6 कंपनीज को इसको मास प्रोडक्शन करने के लिए। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स क्या होती है, मैं आपको पहले फोटो दिखा देती हूँ, इस तरीके की होती है, ठीक है। तो हाई तो ये दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम पहली बात, ठीक है, दे आर अफिक्सड यूजिंग 2 रीयूजेबल स्नैप ऑन लॉक्स, तो लॉक्स है, ठीक है, जिससे ऑब्वियसली गाड़ी पे आप लगाओगे इनको। प्लेट में हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम बेस्ड एट ऑफ अशोका चक्र इन ब्लू कलर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, देखो यहाँ पे अशोका चक्र टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लगा रखा है इन्होंने और ये 2 लॉक्स है, ठीक है, स्नैप लॉक्स। देन क्या है टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में 10 डिजिट का PIN लिखा होगा, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। HSRP इज ऑल्सो इंक्लूडेड अ हॉट स्टैम्प्ड फिल्म अप्लाइड ऑन न्यूमरल्स एंड लेटर्स बियरिंग एन इंस्क्रिप्शन इंडिया एट 45 डिग्री एंगल, ठीक है, देखो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे इंडिया लिखा हुआ है और PIN कहाँ लिखा हुआ है इसमें, आई थिंक दिस इज PIN 3-3-6-7 नहीं 10 नंबर का होना चाहिए, ये है सॉरी PIN यही है, तो सिक्योरिटी इनक्रिप्ट है, 10 नंबर का लिखा होगा, ठीक है, बट आई थिंक दिस मस्ट बी PIN ना, द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे बोला है, सो दिस इज PIN, इसके ऊपर IND इंडिया लिखा होगा, ठीक है। तो क्या है, वंस एफिक्स द यूनिट यूनिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट इलेक्ट्रॉनिक लिंक हो जाएगा व्हीकल्स के साथ, ठीक है, तो व्हीकल्स के साथ उसको इलेक्ट्रॉनिक लिंक कर दिया जाएगा कि भाई ये आपका है और इसको भी आप लगा सकते हो अपनी उस पर बेसिकली गाड़ी पे भी लगा सकते हो और ई लिंक भी हो जाएगा।
इट कम्स विद नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक्स एंड आर डिफिकल्ट टू रिप्लेस, रिप्लेस नहीं हो सकते। बेनिफिट्स क्या है, चोरी वोरी नहीं होगी। ऑटोमोबाइल डीलर्स इसको फिक्स करेंगे, प्राइवेट वेंडर्स भी फिक्स कर सकते हैं। दीज प्लेट्स आर इशूड ओनली आफ्टर व्हीकल ओन प्रोवाइडर्स, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है किस तरीके का इंजन है, ठीक है, इसे क्या होगा, काउंटरफीट हो सकेंगी, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, ठीक है। तो सभी गाड़ियों को अपनी अपनी प्लेट्स बदलवानी है, तो जो चोरी की कार वगैरह है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिख जाएंगी। डिटेल्स ऑफ कार लाइक इंजन नंबर, कैसेस नंबर आर स्टोर्ड इन द सेंट्रलाइज डाटाबेस, ठीक है। तो वो सब डाटाबेस में स्टोर होंगी। दिस इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद 10-digit PIN ये वाली हेल्प्स अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई स्टोलन व्हीकल, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, बेसिक थिंग है, आप समझ सकते हो इसको। सो PMI क्या है भाई, PMI क्या होता है, ये इंडिकेटर है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज का, कि भाई जो बिजनेस इन्वेस्टर्स का क्या इमोशंस है फिलहाल, कैसा चल रहा है। तो ये सर्वे बेस्ड दैट आस द रिस्पोंडेंट्स अबाउट चेंज इन द परसेप्शन अबाउट की बिजनेस वेरिएबल्स, तो लोगों का परसेप्शन जानता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स। और ये एक जापानीज फर्म है निकी जो PMI हमारे लिए प्रिंट करके देती है, ठीक है। सो PMI 0 to 100 होता है, PMI अबव 50 रिप्रेजेंट एक्सपेंशन, 50 से नीचे होगा कंट्रैक्शन। अ रीडिंग ऑफ 50 इंडिकेट्स नो चेंज, ठीक है। 5 इंडिकेटर्स क्या है, न्यू ऑर्डर्स जो सरकार ने पास किए हैं, बिजनेस रिलेटेड इन्वेंटरी लेवल्स, प्रोडक्शन, सप्लाई डिलीवर्स, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट कैसी है, उसके बेसिस पे लोगों का परसेप्शन जानते हैं। गुपकर डिक्लेरेशन क्या होती है, फर्स्ट गुपकर डिक्लेरेशन साइंड हुई थी बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। 6 पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की, उन्होंने गुपकर डिक्लेरेशन 2 साइन किया टू कलेक्टिवली फाइट अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। सो दिस इज नॉट लाइकली टू बी आस्क्ड, बट थोड़ा ध्यान रख लेना। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हम वैसे स्टार्टअप करते रहते हैं, तो उनको अवार्ड भी दे दिया हमने, तो बहुत बढ़िया किया। कंसीव्ड बाय DPIIT, फर्स्ट एडिशन हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस अक्रॉस 12 सेक्टर्स एंड 35 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटरप्राइजेस, टेक्नोलॉजी वगैरह सबसे रिलेटेड इन्होंने इनको प्राइजेस दिया। विनिंग स्टार्टअप को 5 lakh ईच का प्राइज दिया जाएगा अलॉन्ग विद अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर सॉल्यूशन टू रेलेवेंट पब्लिक अथॉरिटीज। पायलट प्रोजेक्ट्स एंड वर्क ऑर्डर्स में भी आप इनको डिप्लॉय कर सकेंगे। 1 एक्सेप्शनल इंक्यूबेटर एंड 1 एक्सेलरेटर ईच विल गेट ₹15 lakh का प्राइस। इंक्यूबेटर क्या होता है, जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, जो महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लोग वहाँ पे जाके अपना काम कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक क्या है भाई, 2 to 8 October के बीच में हर पूरे कंट्री में सेलिब्रेट हुआ है, तो इंडिया की फौना को बचाने के लिए, ठीक है। 1952 में आए थे, आइडिया बिहाइंड द टू सेलिब्रेट वीक इज टू लोगों में अवेयरनेस जगाना एंड स्टेप्स ले ताकि एनिमल स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचा सके। वाइल्ड लाइफ डे वाज ऑब्जर्व फ्रॉम 1955। थीम कहाँ की है, रोर इज रोर एंड रिवाइव, सो दिस इज एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। कवच देख लेते हैं, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस इज कवच। इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, जो DST के अंडर आता है। इट सपोर्ट्स इनोवेशन इन द एरियाज ऑफ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, इन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूडिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, IMS एंड इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ COVID-19। और जो भी स्टार्टअप आइडियाज हैं जो एड्रेस या मिटिगेट कर सकते हैं, जैसे वो शील्ड वाला है, फेस शील्ड वाला, वो एक स्टार्टअप आइडिया था, है ना। सो इट ऑफर्स फंडिंग टू द ट्यून ऑफ 50 lakh to 200 lakh टू सिलेक्टेड स्टार्टअप्स, तो ये भी एक स्टार्टअप की स्कीम है। जब आप ऐसे स्टार्टअप के बारे में कुछ लिखोगे ना, तो हेल्थ वाले एरिया में आप इस कवच के बारे में लिख सकते हैं। सो दिस वॉज इट, मैं एक दोबारा वीडियो बना दूंगी इसका जो नेक्स्ट वाला है। सो ये 7th का ले लेते हैं अभी, 8th का सबसीक्वेंट वीडियो में बना लूंगी, वरना काफी लेंथी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।